ये है यूपी में योगी की पुलिस। मस्ती के नशे में चूर है, दिमाग पर मदहोशी छाई है। सुध-बुध खोकर ये कदम थिरकाने में लगे हुए हैं, लेकिन खुमारी के आगोश में डूबे ये पुलिस वाले भूल गए कि इनकी कमर में सरकारी पिस्तौल भी लगी हुई है। यूपी की राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर औरिया में डायल 100 के सिपाही ऐसे झूमे मानो इन्हें जहां भर की खुशियां मिल गई हों। मस्ती जरूरी है, डांस भी करना चाहिए। बहुत गर्मी है, बंद करा यार। लेकिन जब कानून के रखवाले वर्दी में और ड्यूटी पर होकर ऐसी हरकतें करें तो यह मामला संगीन बन जाता है। यूपी के औरैया में सिपाहियों ने वर्दी की इज्जत को नीलाम कर दिया। पुलिस वालों ने अपनी डायल 100 की गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी की, सिस्टम पर भोजपुरी गाना सेट किया और लगे कमर मटकाने। आमतौर पर पुलिस की जीप और सिपाहियों के आसपास लोग आने से डरते हैं, लेकिन जब वर्दीधारी खुद ऐसी हरकतें करते नजर आए तो आम लोगों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। बहुत गर्मी है, बंद करा यार। कुछ स्थानीय लोग भी इन पुलिस वालों के साथ आकर कदम से कदम थिरकाने लगे। ये तस्वीरें औरैया के अयाना फफूंद इलाके से आई हैं। मस्ती का ये दौर जारी रहा और पुलिस महकमे के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची। फिर क्या था, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा और मस्ती की खुमारी में डूबे सिपाहियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। अब मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ को सौंपी गई है। जो हमारी पीआरवी है जो कि अयाना और पपून रास्ते पर नियुक्त है, उस पीआरवी का ये मामला है। इस प्रकरण की संज्ञान में आते ही हम लोगों ने जांच के आदेश दिए हैं। सीओ सिटी इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में डायल 100 की गाड़ियों पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन डायल 100 के सिपाही इस तरह ड्यूटी पर डांस करेंगे तो पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी।